वही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश होने के बाद मंत्री नेताओं सहित कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वही बजट 2025 और 2024 को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने 3.0 बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी उन्होंने सराहना किया है और वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केंद्रीय बजट 2024 से 2025 प्रस्तुत किया गया है। बजट में कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन और विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केंद्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बजट का फोकस हुआ है, बजट में सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। खासकर इनकम टैक्स की स्लैब जो दर बदली है, उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिनसे 5 लाख, 5 से 7 लाख आय वर्ग के लोगों के लिए 10% के बजाय 5% का टैक्स लगाना, ये सरकार की मंशा सभी लोगों के साथ एक तरह से लेके चलने की भी है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, इन पर केंद्रित ये बजट एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई।